नानकमत्ता में एक युवती का घर से अपहरण किया गया, जंगल में ले जाकर उसे संग सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बाद में उसे चौराहे पर छोड़कर फरार हो गए। मामले में दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अपहरण में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है। इनमें से एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस के अनुसार 19 मई की रात करीब 10 बजे पीड़िता को अज्ञात नंबर से फोन आया और घर के बाहर आने को कहा। चूंकि पीड़िता की उस परिचित से बात होती रहती थी, इसलिए वह बाहर आ गई। तभी वहां बिना नंबर की बाइक से आए दो युवकों ने पीड़िता को पकड़ उसके मुंह पे कपड़ा ठूंस दिया, मारपीट कर बाइक में बिठाकर जबरन नगला के जंगल में ले गए। दोनों ने युवती से बारी बारी दुष्कर्म किया, बाद में उसे बदहवास हालत में नगला चौराहे के पास छोड़ गए। बताया गया है पीड़िता के सदमे में होने व परिजनों ने लोक लाज के भय से पुलिस को उस समय घटना की सूचना नहीं दी। इस मामले में 21 मई को थाना नानकमत्ता में संदीप और कुणाल सिंह राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले में संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने 3 टीमों का गठन किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे से नोगज्जा जाने वाले रास्ते पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बाइक भी बरामद कर ली है। बताया गया है संदीप अभ्यासरत अपराधी है और उसके खिलाफ पूर्व में भी नानकमत्ता थाने में मुकदमे दर्ज हैं। मई 2022 को थाने में एक सूचना आई थी कि लड़की के साथ दो लोगों ने गैंग रेप किया है, इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस एक टीम का गठन किया है। हम पुलिस द्वारा 9 घंटे के अंदर ही 2 मुजरिमों को इसमें अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक दूसरा इसका पार्टनर है जिसका नाम कुणाल है। इन दोनों अरेस्ट को हमने अरेस्ट किया है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो पीड़िता है उसका एक मित्र है भास्कर राणा। तो ये भास्कर राणा जो है ये घटना में रहने वाला है और इन अभियुक्तों ने भास्कर राणा बनके ही इसको फ़ोन किया और उसको झांसी में लेकर बुलाया और इसको बाइक में लेकर अरेस्ट कर ले गए और इसके सिंटेंडेंट में बलात्कार कर रहा है।